नमस्ते स्वागत है आपका स्टडी लैब्स पर कल मैंने एक स्टेटमेंट कहा था एक्सपेरिमेंट से पहले कि अगर आप 10 मीटर समुन्दर के नीचे हो और आपके ऊपर एक पतली सी स्ट्रॉ हो पानी की एक पतली सी स्ट्रीम हो दोनों ही केस में आपके ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो एकदम एग्जैक्टली exactly सेम होगा थोड़ा सा देखने में अजीब लग सकता है कि यहां पर पानी बस इतना सा ही है इसकी क्वांटिटी बस इतनी सी है जबकि यहां पर पानी पूरा समुन्दर है आपके सर के ऊपर लेकिन इस पॉइंट पे दस मीटर अगर आप नीचे हैं दोनों ही केस में तो आपके ऊपर जो प्रेशर है वो सेम लगने वाला है इसको आज थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं आपने एक चीज और समझी होगी कि जो डैम होता है समझ लीजिए कि ये हमारा डैम है और ये हमारा वॉटर है जो डैम में वॉटर रखा गया है अभी आपको ये लगता होगा कि ये डैम पूरा एक जैसा होगा ऐसा नहीं होता मतलब कि इसकी जो विड्थ है वो वैरी करती है वो सेम नहीं रहती जो ऊपर की विड्थ है और जो नीचे की विड्थ है उसमें अंतर होगा क्यों अंतर होगा यहां पर जो पानी का कोई मॉलिक्यूल होगा इस पॉइंट पे उसके ऊपर क्या है उसके ऊपर एटमोस्फेयर है तो उसके ऊपर एटमोस्फेयर का प्रेशर लग रहा है जो उससे जस्ट एक नीचे अगर आप वाटर की लेयर में चले जाइए तो अब क्या हो रहा होगा कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के ऊपर एक मॉलिक्यूल प्लस पूरा एटमॉस्फेयर लग रहा है यहां पर अगर आप आ जाते हैं तो यहां पर क्या होगा कि इतना पानी उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है और प्लस एटमॉस्फेयर लगा रहा है यहां पर जब आप आ जाएंगे तो इतना अब पानी इस आखिरी मॉलिक्यूल पे प्रेशर लगा रहा होगा और प्लस एटमॉस्फेयर तो यहां पर सिर्फ एटमॉस्फेयर इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा था जबकि यहां पर ये ऊपर के सारे पानी के मॉलिक्यूल्स भी इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं तो यहां पर प्रेशर ज्यादा होता है इसको काउंटर करने के लिए क्योंकि यहां प्रेशर अलग है और यहां ज्यादा है इसको काउंटर करने के लिए जो डैम बनाए जाते हैं वो कुछ इस शेप के होते हैं यानी कि वो नीचे की तरफ ज्यादा मोटे होते हैं इधर कम इनकी चौड़ाई होगी और इधर इनकी चौड़ाई ज्यादा होगी क्योंकि यहां पर इनको प्रेशर ज्यादा झेलना है अब ये तो बात हुई कि क्या नॉर्मल प्रैक्टिसेस हैं इतना पानी भरा हुआ है आपके डैम में और यहां पर कम है और यहां पर ज्यादा है लेकिन इंटरेस्टिंगली जो पैराडॉक्स की हम बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर आप इस पूरे पानी की मास को हटा दीजिए और एक छोटा पानी का एक लेयर यहां पे इस वॉल के ऊपर कंसीडर करिए इतने पूरे पानी को आपने हटा दिया आप छोटे से एक लेयर को कंसीडर कर रहे हैं तो भी जो यहां पर प्रेशर होगा वो एग्जैक्टली exactly सेम था जब इस केस में इतना ज्यादा पानी इसको डैम को सपोर्ट करना था अब आप समझने के लिए समझिए कि इतना पानी इस डैम पे आके ताकत लगा रहा है और इस केस में भी सिर्फ ये बहुत पतली सी एक स्ट्रीम है लेकिन प्रेशर दोनों केस में इस पॉइंट पे सेम होगा क्यों क्योंकि जो प्रेशर है वो हाइट पे डिपेंड करता है कि कितनी हाइट है ना कि कितना मास है उसके अराउंड तो पास्कल स्पेसिस के आज के एक्सटेंशन में हम क्या करेंगे कि हम सारे ढक्कनों को बंद रखेंगे आप पानी भर दीजिए और अब देखेंगे कि दूसरे और तीसरे वाले में थोड़ा थोड़ा पानी पहुंचेगा लेकिन जैसे ही आप दूसरे वाले के ढक्कन को ओपन करेंगे उसमें वापस वाटर पहले और दूसरे में बराबर होने लगेगा जैसा हमने पहले एक्सपेरिमेंट में या पहले पार्ट में देखा था थोड़ा और ऑब्जर्व करिए और अगर हम आप आखिरी वाला तीसरा और चौथा ना ओपन करके सबसे आखिरी वाले को ओपन करें तो आप देखेंगे कि अब पानी तीसरे और चौथे को बाईपास करते हुए सीधे पांचवे वाले में जाने लग गया है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाकी जो दोनों कंटेनर से उसमें हवा भरी हुई है और क्योंकि ढक्कन बंद है तो हवा को निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही है लेकिन जो पहला है दूसरा है और पांचवा है उसमें क्या है क्योंकि हवा को निकलने के लिए जगह मिल रही है तो वो वहां पे उसको रिप्लेस कर रहा है डिस्प्लेस कर रहा है और उसकी जगह पे खुद को भर रहा है और वहीं पे ये जो लेवल है वो भी आपस में इक्वल हो पाएंगे तीसरे और चौथे में या जो भी कंटेनर हम बंद करके रखें उसमें वहां पे पानी नहीं भरेगा